कांग्रेस और एनसीपी जैसे सहयोगी हो तो उद्धव ठाकरे को निपटाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ने वाली। कांग्रेस के नेता एक एक कर उद्धव ठाकरे की पोल खोलते जा रहे हैं और एनसीपी उसके मजे ले रही है। बीजेपी से दगाबाजी करके कुर्सी के लिए उद्धव जब से कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए हैं, पहले पृथ्वीराज चौहान ने कहकर उद्धव की पोल खोली कि वो तो 2014 में शरद पवार के साथ मुझे ये कहने आए थे कि चलो मिलकर सरकार बनाते हैं, लेकिन बात नहीं बनी तो उद्धव फिर से बीजेपी के साथ चले गए। इस खुलासे के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। उद्धव ठाकरे बेदम सफाई देते नजर आए, लेकिन बात नहीं बनी। राज ठाकरे ने जब से हिंदुत्व की सियासत खुलकर करने का फैसला किया तो उद्धव ये कहते नजर आने लगे कि हमने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। लेकिन उद्धव के इस दावे की पोल उन्हीं की सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ने ये कहकर खोल दी। सोनिया गांधी से उद्धव ने लिखित देकर कहा कि वो सेकुलर चर्म का पालन करेंगे और उसी मुताबिक सरकार चलाएंगे। उसके बाद ही कांग्रेस ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। अशोक चौहान ने कहा कि सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे से इस बात का लिखित आश्वासन मांगा था कि महाराष्ट्र में सरकार विधान के दायरे में काम करेगी और उन्हें संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन नहीं करना होगा। मतलब साफ कि उद्धव ये बात लिख कर दे चुके हैं कि सरकार संविधान की प्रस्तावना की भावना के मुताबिक ही काम करेगी। इससे एक बात तो साफ है कि इसमें उनकी हिंदुत्व वाली सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। उद्धव को अपनी सरकार की खातिर पुरानी सियासत छोड़नी होगी, नहीं तो उनकी सरकार नहीं रहेगी। अशोक चौहान ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को ये बात भी बताई कि अगर सरकार उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती तो कांग्रेस को उससे अलग हो जाना चाहिए। अशोक चौहान ने कहा कि हमने ये बात उद्धव को बता दी, वो इससे सहमत हुए, तभी जाकर सरकार बनी। अशोक चौहान के इस बड़े खुलासे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया और कहा कि शिवसेना को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार बनाने से पहले किए गए करारों को स्पष्ट करना चाहिए। फडणवीस ने कहा कि गठबंधन में शामिल दलों को अगर विश्वास नहीं है तो शिवसेना सरकार में क्यों है। जाहिर है कि तीनों पार्टियों के बीच सबसे बड़ी कमी भरोसे की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।